हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन साउंड एंड टेक। बहुत दिन से एक बात मुझे सुनाई दे रहा था कि भाई सियोर का कॉर्डलेस अनबॉक्स करो, सियोर का कॉर्डलेस साउंड टेस्ट करो, सियोर का कॉर्डलेस का थोड़ा बहुत डिटेल लाओ। तो फिर आज हम जब शूट करने के लिए आए तो हाथ के सामने भाई एक सियोर का कॉर्डलेस मिल ही गया। ये बहुत खास तरीके का कुछ कॉर्डलेस है, ये तो मैं दावा नहीं करूंगा, पर भाई सियोर का कॉर्डलेस है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने इसको लाने के लिए सोचा। तो फिर चलिए देख लेते हैं वो सियोर का कॉर्डलेस कौन सा है। फ्रेंड्स, दिस इज फ्रॉम सियोर, सियोर SVX वायरलेस माइक्रोफोन जो UHF मॉडल में अवेलेबल है मार्केट में। ये थोड़ा बहुत तो महंगा आता ही है यार, सियोर की तरफ से आती है, कुछ तो महंगा आएगा ही। तो फिर इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं इसका क्वालिटी, प्राइस और इसके बॉक्स कंटेंट क्या क्या होते हैं उसके ऊपर। हो भाई, सियोर तो सियोर ही है, पैकिंग कुछ अलग ही लेवल का है इन लोगों का। देखिए, ये सियोर की तरफ से जो माइक आती है वो तो काफी प्रीमियम लुक में ही दिख रहा है यार। ये PG28 है बेसिकली, ये बहुत कुछ वोकल अच्छा देने वाला है, ये मैं नहीं बोलूंगा पर अच्छा है। देखिए, ये है सियोर का पहचान, इसका एडाप्टर भी जो आता है सियोर की तरफ से ओरिजिनली आपको प्रोवाइड किया जाता है, इसका प्रूफ भी आप देख सकते हैं। सियोर का तो भाई बात ही कुछ अलग होता है। देखो, ये जो एडाप्टर है यहां भी आपको सियोर का लोगो दिख जाएगा, ठीक है। ये गया एडाप्टर, साइड में रख देते हैं। इसके अंदर भी कुछ आपको ऑपरेटिंग मैनुअल मिल जाएगा, इसे आप रीड कर लेना। इसके अंदर देखिए क्या क्या मिलता है, सियोर का ऑपरेटिंग मैनुअल और यहाँ एक सीम इजेक्टर की तरह की दिया गया है, उसका काम क्या है वो भी हम देख लेंगे। देखिए, सियोर की ही तरफ से ओरिजिनल माइक्रोफोन का कैप और आखिर में ये है भाई सियोर का जो मेन हार्ट है वो। देखो, रिसीवर आप लोग जानते ही हैं किसी भी कॉर्डलेस का जान होती है, क्योंकि ओ भाई प्रीमियम क्वालिटी तो इसको ही बोलते हैं। स्लीम देखो ये रिसीवर कितना है। इसका आउटपुट के बारे में बात किया जाए तो फिर यहाँ आपको बैलेंस आउटपुट, अनबैलेंस आउटपुट, इसको आप माइक में ऑपरेट करना चाहते हो या फिर लाइन में ऑपरेट करना चाहते हो, और यहाँ पे आपको चैनल दिया गया है कौन सा चैनल में आप लेना चाहते हो, और यहाँ SQ के लिए यानी कि वॉल्यूम के लिए भी आपको एक ऑपरेटिंग वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। और इसका सामने अगर देखें तो दोनों एंटेना के लिए, एंटेना ए और एंटेना बी के लिए लाइट दिया गया है, और यहाँ ए फ्रीक्वेंसी का इंडिकेटर और यहाँ पावर का इंडिकेटर आपको अवेलेबल होती है, और फिर जो है सियोर का एक प्रीमियम लोगो के साथ, और यहाँ सियोर का एक प्रीमियम जो लोगो यहाँ प्रिंट किया हुआ है प्लास्टिक के ऊपर, उसके साथ कॉम्प्लीट होता है रिसीवर। तो फिर आप कनेक्ट कर लेते हैं इसको और चेक कर लेते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा जाने वाला है। तो फिर पहले कनेक्ट कर लेते हैं इसका एडाप्टर। एडाप्टर भाई हम ज़्यादा खोलेंगे नहीं, थोड़ा बहुत खोलेंगे। चलिए पावर कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमने किया DC पावर को कनेक्ट और देखिए यहाँ पावर आ गया, ठीक है। अब इसका आउटपुट जो है वो हम मिक्स आउटपुट से ले लेंगे। यहां हमने मिक्स आउटपुट से ले लिया, ठीक है, और माइक के अंदर अब डालने की बारी है बैटरी को। देखो, यहां एक क्लिप दिया गया है बैटरी को यहां रखने के लिए, ठीक है, जिसके अंदर आपका नेगेटिव वाला जो बैटरी का पोर्शन है वो पीछे की तरफ जाती है, और लग गया बैटरी। इसके बाद आपको यहां क्लिप सेट कर देना है जाकि आपके बैटरी फिक्स रहे, कहीं पर भी हिले नहीं। और माइक्रोफोन के पीछे की साइड में एक पावर ऑन ऑफ के लिए स्विच दिया है, इसको थोड़ा प्रेस कर देते हैं। देखिए यहाँ एक इंडिकेटर जल गया। और रिसीवर के ऊपर अगर बात किया जाए तो यहाँ एंटीना ए से कनेक्शन आ रहा है, ये भी शो होने लगा। अगर हम माइक्रोफोन में बात करें तो फिर देखिए यहाँ ए का जो ग्रीन इंडिकेटर है वो भी शो हो रहा है। तो ये हमने कनेक्ट कर लिया सियोर का PG28 वाला कॉर्डलेस मॉड्यूल।
इसका क्वालिटी के ऊपर अगर बात किया जाए दोस्तों, तो इसका मुझे जो लगा कि भाई इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मिड रेंज और शार्प रेंज के ऊपर अच्छा लगा। इसका जब बेस का क्वालिटी मैंने ध्यान से देखा तो बहुत कुछ अच्छा मुझे नहीं लगा, क्योंकि इससे मैं थोड़ा बहुत मिड बेस भी एक्सपेक्ट कर रहा था जो कि मुझे नहीं मिला। सियोर का अगर कॉर्डलेस का ऊपर बात किया जाए दोस्तों, तो आप जानते ही हैं कि सियोर का SN58 वाला मॉड्यूल बहुत फेमस है, बेटा वाला मॉड्यूल बहुत फेमस है। ये उतना फेमस वाला मॉड्यूल नहीं है, पर अगर आप सियोर में जाना चाहते हो तो फिर आप ये वाला कॉर्डलेस खरीद सकते हो। इसका क्वालिटी आपको निराश नहीं करेगा दोस्तों, ये मैं आपको कह सकता हूँ। ये आप वोकल्स के लिए, अनाउंसमेंट्स के लिए, या फिर आपके कथा के जो अनुष्ठान होते हैं वहां आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये था सियोर की तरफ से जो कॉर्डलेस मॉड्यूल आता है उसका साउंड टेस्ट। देखिए यहाँ जो हमने पहले बात किए थे कि यहाँ सीम इजेक्टर की तरह एक की दिया गया है, इस की का थोड़ा बहुत काम है। ये भाई सियोर है, ये अपनी तरफ से कुछ चैनल्स आपको देता है 1, 2, 3, 4 ABCD करके, जिसका रिलेशन यहाँ जो चैनल का ऑपरेटिंग वॉल्यूम है उसके साथ है। इस माइक्रोफोन में आप जो चैनल सेट करोगे, यहाँ कॉर्डलेस का रिसीवर में भी आपको उसी वाला चैनल सेट करना पड़ेगा, तभी सिंक होके ये अपना ट्रांजिशन करता रहेगा, जो फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड करता जाएगा आपके प्रोग्राम के दौरान। और यहाँ आप देखेंगे ये RF फ्रीक्वेंसी जो है इसको हाई लो करने के लिए एक ऑपरेटिंग स्विच भी दिया गया है। आपको जैसे माइक्रोफोन ड्राइव करना है वैसे ही आप कर सकते हैं यहाँ, और इस की की मदद से आप ये वाला जो फ्रीक्वेंसी एडजस्टर नॉब है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसका प्राइस रेंज के ऊपर। तो दोस्तों ये कॉर्डलेस आपको 17,000 रुपए के अंदर आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। ऑनलाइन में मिलेगा या नहीं ये मैं सही से बता नहीं सकता, ये आप जाके अमेजोन में खोज कर सकते हैं, उसके बाद आप लोगों को इन डिटेल इसके बारे में पता चल जाएगा। तो फिर आज का वीडियो था यहीं तक, फिर मिलते हैं नए किसी कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।